नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। मजहबी कट्टरता में कुछ लोग इतने अंधे रहते हैं कि उन्हें दूसरे धर्म के इंसान काफिर दिखते हैं। इनके अंदर कट्टरता का जहर इतना कूट कूट कर भरा होता है कि लोगों के जान के दुश्मन तक बन जाते हैं। देश आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जब कोई गैर मुस्लिम लड़का किसी मुस्लिम लड़की से बिना किसी जोर दबाव के शादी कर लेता है तो कट्टरपंथियों की जमात भड़कती हुई नजर आती है। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि जब इनकी ही कौम का युवक जब किसी हिंदू लड़की को झांसे में लेकर उसके साथ लव जिहाद की घटना को अंजाम देता है तो इनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता बल्कि उसके समर्थन में दिखते हैं। दरअसल केरल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ हिंदू युवक से शादी करने वाली एक मुस्लिम महिला के परिजनों ने उसकी जान लेने की कोशिश की। ये घटना कलंजूर में तब हुई जब महिला अपने माता पिता से मिलने मायके पहुंची। महिला पर उसकी बहन और जीजा ने हमला किया। दोनों कथित तौर पर उसके अंतर धार्मिक विवाह से नाराज थे। घटना में महिला के बाजू में चोट आई है जिसके बाद उसे रन्नी अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने मामले में पीड़िता के बयान के आधार पर उसकी बहन और जीजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पता लगा रही है कि हमला जायदाद के लिए किया गया या फिर ऑनर किलिंग का प्रयास था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने हिंदू व्यक्ति से 8 महीने पहले शादी की थी और अपने मायके से कुछ दूरी पर उसके साथ रह रही थी। घटना वाले दिन जब महिला अपने माता पिता के घर आई तब वहां उसकी बहन और जीजा भी मौजूद थे। यहीं उन दोनों की पीड़िता से किसी प्रॉपर्टी को लेकर झड़प हुई और उन्होंने पीड़िता पर हमला बोल दिया। कथित तौर पर पीड़िता की बहन अपनी पैतृक संपत्ति पीड़िता के साथ साझा करने पर नाराज थी, इसीलिए उसने अपनी बहन के साथ लड़ाई की और गुस्से में एक धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। घटना में बुरी तरह से घायल हो गई। पुलिस का कहना है कि महिला की शादी को लेकर खासी आपत्तियां नहीं थी लेकिन फिर भी घटना में इसकी जांच जरूरी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसे ही एक मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आया था। यह एक मुस्लिम महिला ने हिंदू प्रेमी से शादी करने के बाद पुलिस के सामने गुहार लगाई थी कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है न कि अपने माता पिता के साथ। स्थानीय कोर्ट ने भी इसके बाद उसे इजाजत दे दी थी कि वो जहां चाहे वहां रह सकती है। इस केस में पुलिस ने बताया था कि 22 फरवरी को महिला के घर वालों ने उसके पति पर अपहरण का आरोप लगाते हुए शंका जताई थी उनकी बेटी की जान खतरे में है। लेकिन घटना के 2 महीने बाद थाने पहुंचकर खुद महिला ने साफ किया कि वो अपने हिंदू प्रेमी से शादी कर चुकी है और अब उसे अपने घर वापस नहीं जाना। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक देश में ऐसे नफरत फैलाने का खेल चलता रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।